उत्तर प्रदेश के बरेली थाना बिथरी जैनपुर क्षेत्र में एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, जहां इंटर के छात्र ने नाजायज असलाह से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक डिप्रेशन में रहता था और साथ ही उसका सोमवार को मैथ का पेपर था, जो कि ठीक ना होने से और ज्यादा परेशान था। इसी के चलते आत्महत्या कर लेना बताया जा रहा है। थाना बिथरी जैनपुर के गाँव उगनपुर के रहने वाले कृष्णपाल का 17 वर्षीय बड़ा बेटा यशपाल बिथरी के GSA इंटर कॉलेज में 12वीं का छात्र था। यशपाल की परीक्षा चल रही थी, उसके 3 पेपर हो चुके थे। यशपाल का सेंटर थाना भुता क्षेत्र के राजपुरी नवादा में पड़ा था। सोमवार को यशपाल का मैथ का पेपर था और उसका कहना था कि वो इस पेपर में पास नहीं हो पाएगा। पेपर देने के बाद से यशपाल डिप्रेशन में रहने लगा, साथ ही वो दिमागी बीमार भी था, जिसका वारादरी क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। वहीं SP सिटी रविंद्र कुमार का कहना था कि थाने पर लिखित तहरीर के जरिए सूचना आई थी, उगनपुर के रहने वाले कृष्णपाल के बेटे यशपाल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर बिथरी पुलिस व फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। स्थिति का जायजा लिया गया, फिलहाल सब का पंचनामा किया जा रहा है, जिसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। सर, वो मेरे चाचा का लड़का छोटे, जिनका नाम कृष्णपाल, उनका लड़का है जो इसका नाम यशपाल है, वो 12वीं के पेपर दे रहा था। उसका मैथ का पेपर खराब हो गया था, कह रहा मेरे नंबर नहीं आएंगे। और सभी उनके जो पिताजी हैं, मेरे पिताजी सभी ड्यूटी पर थे, मैं काम पर था, वो घर पर अकेला था, इसलिए उसने घर में अकेला पाकर उसने कट्टे से गोली मार ली थी। कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था? कैसे? नहीं, कमरा खुला हुआ था। अच्छा, हाँ। कैसे पता चला? मतलब उसकी आवाज़ आई थी तो पास के जो लोग थे उन्होंने देखा था, तभी हम काम से छोड़ कर घर पे आए थे, तभी हमने देखा, उसके लिए बाहर निकाला, तभी हॉस्पिटल लेकर आए थे। अच्छा, हाँ। कौन कौन है परिवार में उसके? परिवार में उसके 3 बहनों में अकेला भाई था, उसके माँ हैं, पिता हैं। पिता क्या करते हैं? पिता सफाई कर्मचारी हैं और रामनगर में ड्यूटी करते हैं। कहाँ रहते हैं? सर, उगन ग्राम है उगनपुर, पोस्ट बालीपुर, थाना बिथरी चैनपुर है। सर, वो पढ़ता था बिथरी कॉलेज, GIC इंटर कॉलेज। जैसे पेपर खराब होगा तो उसको लेके परेशान था? हाँ, उसके लेके परेशान था, कह रहा था मेरे नंबर आएंगे, उसमें ज़्यादा टेंशन रहता था, बोले मेरे फेल हो जाऊँगा, ये है वो है, मार तमाम अकेलापन में महसूस करता था, किसी से बात नहीं करता था। दिनांक 6/4/2022 को थाना बिथरी पर एक वादी हैं, उनके द्वारा थाने पर आकर एक लिखित तहरीर दी गई। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनका भतीजा है यशपाल, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, उसने अपने घर में रखे एक अवैध तमंचे से अपने आप को गोली मार ली है, जिससे उसकी मृत्यु कारित हो गई है। इस सूचना पर थाना बिथरी की फोर्स तत्काल मौके पर गई और जो फॉरेंसिक साइंस की जो हमारी टीम होती है, फील्ड यूनिट, उसको भी मौके पर बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा जरूरी जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया गया, हैंड वॉश भी लिया गया है। हैंड वॉश लेने के बाद में उसकी भी रिपोर्ट आनी शेष है। जो रिपोर्ट आएंगे, जो तथ्य आएंगे, उसके बाद में जो है इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। क्या कारण निकल गया है अभी तक? अभी तक जो परिजन हैं और जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनसे जो बातचीत की गई है, उनसे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि उनके परिजन बता रहे हैं कि बच्चे का इलाज जो है एक थाना बारादरी के क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में वहाँ चल रहा था। बच्चा पिछले कुछ दिनों से मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।